वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी एक और मजेदार सी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं फनी फनी रूमर्स को रोस्ट, क्योंकि अपन ने एक बार पहले भी रूमर्स को रोस्ट करा था, वो अपने व्यूज सबसे ज्यादा लगे थे चैनल पे, तो इस वीडियो में भी व्यूज चाहिए मेरे को। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। यह है अपनी फर्स्ट न्यूज। पायल मलिक ने अब ये तय कर लिया है कि वो अरमान मलिक को डिवोर्स देने वाली है। तो अगर ये सच्चाई है तो मैं तो कहता हूँ दे दे वो डिवोर्स, क्योंकि उस चिमकांडे जी शकल के से कौन दो लड़के एक साथ रह सकते हैं, मेरे यही समझ में ना रहा। वो बंदा 5-5 दिनों में प्यार करता और शादियां कर लेता। अब ये एक बात बताओ मेरे को, अपने बर्थडे मतलब अपने बेटे का बर्थडे था उसके, तो उसने गिफ्ट में पता क्या दे दिया उसको, अपनी एक और नई मम्मी दे दी। ऐसा कौन सा गिफ्ट देता है भाई। और एक तो ये चिमकांडे को पता नहीं कहाँ से दो दो लड़कियां मिल रही, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के, उनको एक गर्लफ्रेंड ना मिल रही और इसको दो दो वाइफ मिल रही है सीधी। अब तुम सोच सकते हो कि कैसा कलयुग आ चुका है। उस बंदे के पास ऑलरेडी एक वाइफ है, उसके पास बच्चे, फिर भी उसको वाइफ मिल रही है। यहाँ पे बंदों के पास गर्लफ्रेंड ना है, उनको गर्लफ्रेंड ना मिल रही। अब तुम सोच सकते हो ना यार कैसा कलयुग आ रखा है। अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर ये न्यूज सच्ची हो जाती है ना, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मैं तो कहता हूँ दे दो तलाक और वो जो अंदर है वो भी तलाक दे दे, लेकिन वो ना देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नॉट बैड। ये क्या है? अच्छा, हार्दिक पांड्या ने ना उसको अनन्या पांडे को फॉलो कर लिया और अनन्या पांडे ने भी फॉलो बैक देके हार्दिक को फॉलो कर लिया। चलो ठीक है हार्दिक भाई, आपके लिए तो ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि नताशा जी जब से आपको छोड़ के गई, जब से आपका करियर वापस उठा तो है, लेकिन एक कांड हो गया हार्दिक भाई को वर्ल्ड कप की टीम बाद में। उनको वाइस कैप्टन तो थे वो वर्ल्ड कप में, अब तो उनको टीम में कैप्टन भी ना बनाया ना वाइस कैप्टन बनाया, उनकी जगह सुमन भैया ने ले। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अनन्या जी के साथ भी धोखाधड़ी हो गई, उनका भी ब्रेकअप हो गया। यहाँ पे हार्दिक भाई के भी सुनने में आया कि उनका डिवोर्स होने वाला था। दो बिछड़े प्रेमी नहीं, दो दुख दर्द प्रेमी आपस में मिलने जा रहे हैं, और वो कहाँ मिले? अंबानी जी की शादी में, जो शादी कितने लंबे चली, कम से कम 6-7 महीने। इतने में लोगों के बच्चे पैदा हो जाते हैं, तुम्हें समझ में आ रही है? और लोगों के ना हार्दिक भाई के खुद के बच्चे पैदा हो गए थे शादी होने से पहले। तुम सोच सकते हो अंबानी जी तुमने कितनी लंबी शादी करी जो, तो ठीक है, ये पैसे क्यों बढ़ाए रिचार्ज की? मेरे मुझ गरीब को लोगों के वाईफाई से करना पड़ रहा है काम, और पड़ोसियों के वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, नेट चलाता हूँ, मेरे पास पैसे ना रिचार्ज करवाने के, तो थोड़ा यार रिचार्ज सस्ता कर दो यार। अबे ये कौन सी रिपोर्ट है? ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल छोड़ रहा है, वो भी चेन्नई सुपर किंग में जाने के लिए। एक बात बताओ मुझे, तुम लोग कोई लॉजिकल बात ना होती तुम लोगों से, फेक रूमर्स बनाते हो, कुछ भी बना देते। अगर ऋषभ पंत ने इस बार दिल्ली छोड़ दी ना, तो जैसे हार्दिक भाई ट्रोल्ड हुए, तो इस बार ऋषभ पंत की बारी लग रही है मेरे को, क्योंकि हार्दिक भाई ने गुजरात छोड़ के मुंबई में कितने ट्रोल्ड हो जिसकी बात नहीं। अगर ऋषभ पंत भी अगर दिल्ली की कप्तानी छोड़ के चेन्नई की कप्तानी के लालच में अगर चेन्नई में चला गया ना, तो इतना ट्रोल्ड होगा जिसकी बात ना, लोग पागल कर देंगे इसको ट्रोल्ड करते करते। और वैसे भाई का करियर अभी शुरू हुआ है, एक्सीडेंट से उठाया तुम लोग, उसका क्यों करियर खराब करने में लगे हो? मेरे समझ में ना आता ऐसी ऐसी फेक फेक न्यूज तुम्हें मिल कहां से जाती है, मुझे तो पता ही ना चलता है ये सब चीजें हो जाती है। मेरे को तो जब पता चला था हार्दिक भाई मुंबई में चले गए कैप्टन बन गए, मेरे को मेरे दोस्त आके बोलता है हार्दिक कैप्टन बन गया, तो जो पता है, मैं कहा मुझे तो पता है वो तो कब से कैप्टन है गुजरात का, हो गया गुजरात का नहीं मुंबई का बन गया, मेरे जब भी खोपड़े खराब हो गए। अब मेरे समझ में ये ना रहा, अगर ऋषभ भैया दिल्ली से हटके चेन्नई के कैप्टन बन गए तो चेन्नई का होगा क्या? क्योंकि ऋषभ भैया फांपू फांपू बैटिंग करते और चेन्नई में ऐसे बैटिंग चल लेना वाली, तो चेन्नई वालों अगर कुछ भी कर रहा सोच समझ के करना। अच्छा, अब तो वीडियो भी बाहर आ गई, टिकट बुक करी और ये आ गई मेरे पास, इसने मेरे को बोला कि तू बहन की लगाई हुई आने वाले टाइम पे ये यहाँ पे रहेगी मेरी, और मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी, मेरा मन बहुत खराब हो गया, मैं थक गई हूँ मस्त बहुत। चलो, जिंदगी में पहली बार किसी का घर टूटता है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। ऐसा कहते नहीं है यार, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी जाने होने जा रही है ये इंडिया में, थोड़ा बहुत वापस से परिवर्तन लाएगा, नहीं तो लोग आ गए भाई, लोग आ गए दो दो शादियां करने। एक बच्चा था दो दो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा था, कहता क्यों लेके घूम रहा, कहता अरमान मलिक से मैं, मेरा अरमान मलिक आइडल है, अरमान मलिक से मैं मोटिवेट होके ये सब चीजें कर रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रही, वो बच्चा तो अरमान मलिक से मोटिवेट हो गया, लेकिन वो दोनों लड़के के पागल है, वो पायल मलिक और उससे कृतिका सेन मोटिवेट हो गए क्या? वो भी पागल जैसी हरकतें करने लग गई उस पागल के पीछे निकल गए, और वो बच्चे की उम्र तुम सोचो क्या होगी, पता कितने साल का था वो? 6 साल का बच्चा था। मेरे को शर्म आ गई, मैं कहा 6 साल की उम्र में ये दो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, अगर इन तीनों की उम्र जोड़ लो तो उतनी उम्र मेरी होती है, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड ना है। अब सोचो तुम, मेरा दुख समझ ना रहे, ये बच्चे ना समझ रहे, वो अरमान मलिक ना समझ रहा, मैं तो कहता हूँ हो जाना चाहिए उसका डिवोर्स, उस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगा। मैं तो कहता हूँ पटाखे फोड़ दिए जाए, इसी बात को पटाखे फोड़ो, पटाखे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर वीडियो शूट कर रहा था और देखो बाहर बारिश आने लगी, मैंने सोचा पहले तुम्हें बारिश दिखा देता हूँ, फिर वापस अपन वीडियो अपनी कंटिन्यू करते हैं। नहीं, अगर ये न्यूज सच हुई, मैंने बता रहा हूँ, मैंने बिग बॉस का नाम ही बदल देना है, 10 छपरी शो कर देना, पहले भी कर दिया था और अब तो परमानेंट कर देना है।
अगर बिग बॉस वालों, ये जो तुमने न्यूज निकाली है कि भाविन अब वाइल्ड कार्ड आने वाला है इस शो में, तो नहीं भाई, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ये चीज। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ऐसी चीजें। पहले तुमने अदनान डाल दिया, एक और छपरी डाल दिया। बिग बॉस में इस बार छपरियों का शो बनाया, मैं मानता हूँ ये चीज, एक्सेप्ट करता हूँ। बिग बॉस ने खुद ने बोल दिया ये हमारे छपरियों का शो। इस वजह से इस बार हमने सल्लू भाई की जगह अनिल कपूर को एज अ होस्ट लिया। चलो ठीक है, तुम्हारी हरकत है, ठीक है। अब इस छपरी को भी तुम बिग बॉस में डालोगे? नहीं भाई, नहीं, मैं नहीं सहन कर सकता। बिग बॉस तुम इतना नीचे गिर गए, इतना इतना कोई उठा ही ना पाए तुम्हारे को। इतना नीचे भी मत गिरो बिग बॉस वालों, तुम मान जाओ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे के। और ये अगर बात कुछ भी हो, कोई भी वाइल्ड कार्ड जाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन इस बार मैं बिग बॉस ना देख रहा, ये अलग सच्चाई है। मेरे को पता ही नहीं, इंटरेस्ट ही ना रहा बिग बॉस देखने में। उधर वो कटारे भाई कोई इंटरेस्ट ना है मेरे को, विशाल भाई कोई इंटरेस्ट ना है मेरे को, वदनान भाई कोई इंटरेस्ट ना है मेरे को। लोग वहां पे पता नहीं क्या क्या मीम बनाते फिर रहे। और अभी रिसेंटली इन्होंने वीकेंड के बार पे फेसबुक एल्विश को बुला लिया कि लोग कैसे देख लें। मैं तो फिर भी ना देखूंगा। अबे ये क्या है, अंडी मंडी संडी, कॉफी पियो ठंडी। अगर स्टारबक्स इंडिया में बनता ना तो ऐसी हरकतें होने वाली थी, क्योंकि अपनी इंडियंस में हिडन टैलेंट बहुत सारा है। लोग अपना टैलेंट दिखाते नहीं है, लेकिन उसके बाद इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है जिसके बाद नहीं। अगर तुम टैलेंट ढूंढने जाओगे ना तो कूट कूट के भरा है। कोई लोग है ना मुंह से पकड़ के मक्खी खा जाते हैं, कोई जीभ से पकड़ के आ जाते हैं जैसे छिपकली खाती ना वैसे। तो अलग अलग टैलेंट, ये अच्छा था यार, अंडी मंडी संडी कॉफी पियो ठंडी। वाओ क्या न्यूज आई है कि 10वीं के छात्र के साथ मैडम हुई फरार। वाओ क्या न्यूज आई है, मतलब तालियां होनी चाहिए यार, इतनी खुशी। मेरे को इतनी खुशी कि बच्चे कुछ तो बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं 10वीं कौन सी स्कूल में पढ़ने चला गया जहाँ मेरे साथ मैडम ना भागी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाला था गाइस, मैं अगर गलती से मैंने भगा ली होती ना मैडम, मेरे घर वाले मेरे को जरूर घर से बाहर भगा देते, और भाई घुसने ना देते मेरे को, वसीयत से बाहर निकाल देते, जायदाद से बाहर निकाल देते। मैं आज वीडियो ना बना रहा होता, रोड पे कटोरा लेके भीख मांग रहा होता अगर मैं ऐसी हरकत कर देता। लेकिन इस हरकत से मेरे को खुशी मिली यार, कुछ तो बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हम जैसे सारे ना रह गए। तो यार भाई तुमने मैडम भगा ली वो तो सब ठीक है, लेकिन उस मैडम के हस्बैंड का क्या होगा मेरे ये समझ में ना आ रहा है। वो हस्बैंड सोच रहा होगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो बच्चे मेरी लुगाई को भगा के ले गए, ये तो प्रैंक हो गया भाई के साथ। भाई तुम क्या चाहते हो, हर किसी की न्यूज में तुम तो डिवोर्स कराने पे लग गए। अब तुम लोगों ने अभिषेक और ऐश्वर्या का भी डिवोर्स करवा दिया, लेकिन ठीक है यार, इससे एक जने को बहुत खुशी होगी, और उनको खुशी होने वाले का शख्स का नाम है सल्लू भाई। अपने सल्लू भाई इतने खुश होंगे, उनके लिए तो एक खुशखबरी है, ये लोगों के लिए दुख खबरी हो सकती है, लोगों के लिए फेक न्यूज हो सकती है। लेकिन सल्लू भाई ने ये न्यूज देख ली, वो खुश भी हो जाने, उस न्यूज के इससे खुश भी हो जाने, एक्सेप्ट भी कर लेने, रियल मान लेने। मैं तो कहता हूँ सल्लू भाई, अगर ये फेक न्यूज सच निकली ना तो आपने मिठाइयाँ बंटवा देनी है, खासकर मेरे लिए लेके आनी है, क्योंकि मैंने ये न्यूज दी है सबसे पहले। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पहले दी, लेकिन फिर भी यार न्यूज तो दी है, मिठाई का हक मेरा बनता ही है, सिर्फ मिठाई तो मांगी और ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम अगर शादी वादी का प्लान हो तो मुझे बुला लेना एज अ स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट। मैं तो ऐसा करता हूँ ना, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं डिजन, जितना मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कभी कभी, कभी कभी ठीक है यार, कभी कभी कर देना चाहिए। क्या है, बुक में देखकर बात कर, टीचर को शक नहीं होगा। भाई ये फोटो देख के तो मेरे को मेरे दोस्त की याद आ गई। ओए सकल पे मत जाना, मैंने ये नहीं बोला कि ये सकल देख के मेरे को मेरे दोस्त की याद आ गई, इनकी हरकतें देखकर मेरे को मेरे दोस्त की याद आ गई। मैंने मेरे दोस्त कुत्ता नहीं बोला, तुम लोगों ने अगर ऐसा कुछ भी करा ना तो मेरा दोस्त हट हो सकता है, लेकिन उसमें दूसरा भी कुत्ता है था, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग मेरे को भी कुत्ता बना दो, ना भाई ऐसा मत करो यार। तो यार तुम लोग ऐसा कुछ करो, उससे पहले मैं इस वीडियो को यही खत्म कर देता हूँ। तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसे लगी। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार इस बार ये मक्खियां बहुत परेशान कर रही है, इस वीडियो को यही खत्म कर देते हैं।